हेलो, मैं अखिलेश द्विवेदी और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ है उससे रिलेटेड बहुत सारे बच्चों ने हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं, तो उसका आंसर हम आपको बता दे रहे हैं। सबसे पहली बात जो ज़्यादातर बच्चों ने पूछी कि सर इसका रिज़ल्ट कब आएगा, तो देखिए जो रिज़ल्ट है वो 12 जून को एक्सपेक्टेड है, संभावित है। यूनिवर्सिटी ने बोला है कि 12 जून को रिज़ल्ट निकालेंगे BA BSc भी काम का, ठीक है, और 19 जून तक सारा रिज़ल्ट निकाल देंगे और 19 जून से एडमिशन को हम स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। ऐसा संभावित है, एक्सपेक्टेड है ये अभी जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी कह रही है। तो ये है, इसमें देखिए दिक्कत थोड़ा सी एक ये आ गई है कि जैसे स्पेशली BA में जिन बच्चों ने एंट्रेंस दिया और ऑफलाइन मोड में दिया, बहुत सारे बच्चों ने ऑफलाइन मोड पे एग्ज़ाम दिया, उन्होंने कोर्स कोड गलत कर दिया, कुछ बच्चों ने रोल नंबर में जो MR शीट में लिखा उसमें गड़बड़ कर दिया, तो इस वजह से थोड़ा सा दिक्कतें आ रही, उसको मैच करना पड़ रहा है, इसलिए ये है और ये संभावित डेट है ये। इसके बाद एक आध चीज़ जैसे पूछा था कि सर हम लोग सही नहीं करा पाए इलाहाबाद में प्रवेश भवन में जाके और अपने जो भी इंट्रेंस फॉर्म जो इंट्रेंस का जो फॉर्म भरते वक्त गड़बड़ियाँ हो गई हैं, अब नहीं सही करा पाए तो उस वक्त फिर आपको उससे रिलेटेड हमने आपको पहले भी वीडियो में बताया था कि नोटरी पब्लिक का एक एफिडेविट देंगे, तो साहब ये कहाँ बनेगा, तो वो वीडियो में मैंने पूरा प्रोसेस बताया, मैं फिर से बता दे रहा हूँ। देखिए ये कहीं पे भी जहाँ के हैं आप वहाँ कचहरी में चले जाइए और किसी या तो किसी वकील से बन कह दीजिए और उसको वो बना देगा, जो भी चीज़ आपकी गलत हुई है, नेम गलत हुआ है, ईयर गलत हुआ है, तो उससे रिलेटेड वो एफिडेविट बनवा देगा। अच्छा, कुछ बच्चों का गैप हो गया है तो गैप से रिलेटेड प्रोविजंस में है कि उससे भी रिलेटेड एक एफिडेविट बनवा के अपने पास आप रख लीजिए कि मेरा इस वजह से गैप हुआ, कि मतलब हम कोई कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम दे रहे थे या कोई और काम कर रहे थे, तो उससे रिलेटेड वो अपना बता दीजिए कि साहब ये है, और उसके उसमें कुछ विशेष लगना नहीं है गैप ईयर वाले में, तो बस उसमें आप चले जाइएगा कचहरी, वहाँ किसी वकील से मिलकर वो नोटरी एफिडेविट बनवा लीजिए, वो बनवा देगा कि साहब इतने इतने दिन के इस वजह से गैप हुआ, बता दीजिएगा कि कोई कारण कि भाई बीमार थे इस वजह से नहीं कर पाए या मतलब कोई और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे इस वजह से नहीं कर पाए, तो ये बता दीजिएगा, उसको लिख दीजिएगा वो नोटरी एफिडेविट है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, और अगर आपकी कोई और समस्या परेशानी हो तो उससे रिलेटेड आप कमेंट बॉक्स में लिख के ऐसे अभी तक पूछते आ रहे हैं पूछते रहिए, ठीक है, और बताते रहेंगे। अच्छा, PG-AT का भी लोगों ने पूछा, तो PG-AT वाला इसी के मतलब आप ये समझिए कि 14-15 जून तक वो भी डिक्लेयर हो जाएगा PG-AT का भी, ठीक है। तो ओके, धन्यवाद, और जैसे भी कोई सूचना हमको नहीं मिलती है मैं आपको बता दूंगा।